हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू जी पैट डिस्कशन सेंटर। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग के प्रिपरेशंस काफी अच्छी चल रही होंगी। आप लोग नेक्स्ट अपकमिंग जो भी जी पैट एग्जाम है उसके लिए आप लोग काफी वेल प्रिपेयर्ड हो गए होंगे। और आज देखिए, मैं आप लोग के लिए लेकर के आया हूँ हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री का सिंथेसिस की कुछ ट्रिक्स। जी हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स की बात हम करने वाले हैं आज, और आई होप आपके प्रिपरेशन में काफी हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए जल्दी से डिस्कस करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, ठीक है ना। जैसे यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक निमोनिक दी गई है, डबल डोर फ्रिज में क्विनोलिन के स्क्रैप मिले, ठीक है ना। तो यहाँ देखो क्विनोलिन तो सीधे मेंशन है, मतलब यहां से हमको क्या क्विनोलिन का क्या सिंथेसिस होनी है और उससे रिलेटेड जो भी रिएक्शंस हैं वो भी इसी हमारे निमोनिक में ही है। कौन कौन सी है, जैसे देखो पहला वर्ड जो यहाँ पे डबल डोर लिखा गया है ना डियर, इससे हमको पहली रिएक्शन कौन सी मिली, डॉबनर मिलर। नेक्स्ट यहां है क्या, फ्रिज। भाई डबल डोर फ्रिज तो आता ही है ना, तो क्या डबल डोर हो गई डॉबनर मिलर। फ्रिज से हमको याद रखना है फ्रीडलैंडर सिंथेसिस, ओके। क्विनोलिन और स्क्रैप क्या, जो भी भाई कचरा होता है, ठीक है ना, जो भी स्क्रैप मटेरियल्स मिलते हैं आपको, तो डबल डोर फ्रिज में क्विनोलिन के स्क्रैप मिले से है स्क्रैप रिएक्शन, ठीक है ना। तो ये हमारी पहली निमोनिक है इन तीनों ही रिएक्शंस से, ठीक है ना। डॉबनर मिलर हो गई, फ्रीडलैंडर हो गई और स्क्रैप सिंथेसिस, इन तीनों ही रिएक्शन से हमको जो प्रोडक्ट मिलता है डियर वो यही है क्विनोलिन, ठीक है क्या। ये क्विनोलिन का स्ट्रक्चर भी देखो यहाँ पे ड्रॉ हुआ है। तो ये आपकी एक छोटी सी निमोनिक ट्रिक के साथ है क्विनोलिन की सिंथेसिस से रिलेटेड। फिर से मैं आपको एक बार बता देता हूं, डॉबनर मिलर, उसके बाद है अपनी क्या फ्रीडलैंडर, और उसके जस्ट नेक्स्ट बात होगी कौन सी, अपनी स्क्रैप सिंथेसिस। डबल डोर फ्रिज से क्विनोलिन के स्क्रैप मिले, ये आपको याद रखनी है और ये तीनों ही रिएक्शंस आपको याद रहेंगे, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।